उज्जैन में देश के प्रधानमंत्री द्वारा श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम पर जिले भर की ग्राम पंचायतों के मंदिरों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, लेकिन कराहल जनपद की ग्राम पंचायत कर्मी पर ना तो महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के मौके पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया और ना ही पंचायत भवन पर मंगलवार के दिन होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम ही आयोजित किया गया, जहां मंगलवार को पंचायत भवन खुला अवश्य मगर सचिव और सहायक सचिव पंचायत भवन से अनुपस्थित रहे। जहां जनसुनवाई कार्यक्रम गांव कोटवार और चौकीदार के हवाले दिखाई गई, लोग जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे अवश्य, लेकिन पंचायत भवन पर सचिव और सहायक सचिव की अनुपस्थिति के चलते लोगों को बेरंग ही लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पंचायत पर सुनवाई में पहुंचे ग्रामवासियों ने बताया कि विगत कई माह से अपनी आईडी और राशन कार्ड को लेकर पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं, मगर सचिव और सहायक सचिव के दर्शन तक नहीं हुए हैं। ऐसे में जहां पंचायत के कर्ताधर्ता जनसुनवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को पलीता लगा रहे हैं, वहीं सचिव और सहायक सचिव द्वारा देश के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को भी अनदेखा किया गया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सचिव और सहायक सचिव द्वारा बरती जा रही लापरवाही जिला प्रशासन पर क्या कुछ एक्शन लेती है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। है तुम्हारा पूनिया? पूनिया, पूनिया किस पद पे हो पंचायत में? मैं चौकीदार। चौकीदार, आज जनसुनवाई का कार्यक्रम है? मंगलवार है आज? मंगलवार है आज जनसुनवाई का कार्यक्रम है। जनसुनवाई का कार्यक्रम में ना तो यहाँ पे सचिव है और ना सहायक सचिव है, ऐसे में किस तरीके से तुम जनसुनवाई करवा रहे हो? श्योपुर निकल रहे? नहीं तो जनसुनवाई में श्योपुर निकलने से क्या मतलब है? सहायक सचिव कहाँ है? सेक्रेटरी साहब बीमार है। कौन बीमार है? सचिव कमलेश बीमार है। हाँ, कमलेश बीमार। और सहायक सचिव वो श्योपुर निकल गया, तो ये जनसुनवाई कौन करेगा यहाँ पे? वो सरपंच साहब आए। कहाँ है सरपंच साहब? वे भी श्योपुर निकल गए। मतलब वो भी श्योपुर निकल गए? नहीं है। तुम्हारा खन्ना? खन्ना किस पद पे हो पंचायत में? कोटवार। कोटवार, क्या स्थिति है यहाँ पे? ये दिखाई दे रहा है कि आज मंगलवार का दिन है और जनसुनवाई का कार्यक्रम है, लोग यहाँ जनसुनवाई में आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो सरपंच है, ना सचिव है, ना सहायक सचिव है। क्या स्थिति है पंचायत की? कब से बनी हुई है ऐसी स्थिति? नहीं सर, आज वो कोई काम से गए। नहीं, आज हम आ गए तो कोई काम से गए सर, लेकिन इनका जो यहाँ हितग्राही बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि ये चार बार यहाँ महीने भर से चक्कर काट रहे हैं, चार बार जनसुनवाई में आ चुके हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है, कुछ बताना चाहोगे कि सरपंच सचिव क्यों नहीं मिल पाते इनको, क्यों इनका काम नहीं हो पा रहा है? उन्होंने बोला होगा? उनने तो बता दिया कि मुझे मिलता ही नहीं है कोई यहाँ पे। अब वो तुम बताओगे क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाते? वही बात है ना भाई, तुम तो यहाँ रहते हो ना। आ रहता हूँ। तुम तो यहाँ रहते हो ना। अब स्थिति ये बनी है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं है, तीनों सीटें खाली पड़ी है, सरपंच की, सचिव की और सहायक सचिव की। ऐसे में बताओ जनसुनवाई कैसे होगी? कैसे होगी जनसुनवाई? लोग अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, किसी को आईडी कार्ड बनाना, किसी को अपना आधार कार्ड बनाना, किसी को राशन कार्ड बनाना, किसी को पंचायत की समस्या, तो कैसे काम चलेगा? वही बात है ना। कोई रोजगार का कोई सहायता नहीं हो देते रहे, कोई तो ना रोजगार सहायता बैठता है, ना सेक्रेटरी बैठता है, एक ना सरपंच चुप या तीन बैठा। अभी मीटिंग तुम्हारी पंचायतों का मीटिंग किसे माहौल बन पा है? मतलब यहाँ आता ही नहीं कोई, सेक्रेटरी नहीं आता, सहायक सेक्रेटरी नहीं आता और जन सुनवाई भी नहीं होती। जन सुनवाई भी नहीं होती, दिखता ही नहीं। दो तीन मीटिंग में हुई हुई यहाँ। अच्छा, दो तीन बार हो गए जन सुनवाई में। क्या समस्या लेके आते हो आप? मुझे समस्या लेता हूँ कि हमारा बच्चे बच्चे का आईआरडी का नाम नंबर अलग करना हमारे परिवार से, उनको आधार कार्ड का आईआरडी का नंबर निकालना और किसी का राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड का भी नियम लेने के लिए आता हूँ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। कितने समय से चक्कर काट रहे हो आप? मैं चार मीटिंग हो गई सर। मतलब करीबन करीबन एक महीने से ऊपर हो गया? हाँ, तुम देख लो, एक महीने से ऊपर हो गया। एक महीने से ऊपर आप चक्कर काट रहे हो पंचायत के, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा काम।